हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक नई ट्रिक आपको बताता हूँ। देखिए ये जो है लिब्रा कैल्क ओपन किया है मैंने और यहाँ पर सेम दो डेटा रखा हुआ है। आप कोई भी डेटा रख लीजिए, नो प्रॉब्लम, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर एक शॉर्टकट की होती है, आपने नेविगेशन की के बारे में आपको पता ही होगा, जो अप डाउन राइट लेफ्ट जाने के लिए जो कीबोर्ड में कीज दी होती हैं उन्हें हम नेविगेशन की बोलते हैं। तो अगर आपको कर्सर कहीं पर भी हो, ठीक है, आप कंट्रोल बटन प्रेस कर लीजिए और अप या डाउन डाउन नेविगेशन की प्रेस कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका जो एरो है, जो आपका कर्सर है, वो सीधा जो है लास्ट वाले डेटा पे चला जाता है। अगर आप राइट कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो लास्ट वाले डेटा पे चला गया। अब फिर नीचे आ जाता हूँ, एक स्टेप नीचे आता हूँ। अब मान लीजिए यहां से प्रेस करता हूँ राइट एरो की, तो फिर देखिए लास्ट वाले पे चला गया। लेफ्ट प्रेस करता हूँ तो फिर ये देखिए ये लास्ट वाले पे चला जाएगा, ऑटोमेटिकली लास्ट वाले पे चला जाएगा। ये देखिए लास्ट वाले पे चला गया। फिर अगर मैं डाउन एरो की प्रेस करता हूँ कंट्रोल के साथ ही आपको प्रेस करना है, तो डाउन में फिर लास्ट वाले डेटा पे चला गया। अगर फिर प्रेस कर देता हूँ कंट्रोल के साथ डाउन एरो की, तो देखिए ये 148,500 आपका रो है उसमें चला गया। अब यहां पर ऊपर आ जाता हूं तो ये देखिए एकदम से ऊपर आ गया मैं। ठीक है, दो बार प्रेस किया मैंने कंट्रोल के साथ अपर एरो की प्रेस किया, पहली बार, फिर दूसरी बार। और फिर अगर मैं डाउन एरो की प्रेस करता हूं तो नीचे वाला डेटा सिलेक्शन में आ जाता है। तो ये शॉर्टकट की है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।